Hello all and welcome back to yet another episode of Biz Legal Talk Show. Our topic for today is Section 138 under the Negotiable Instrument Act. And today, to discuss in detail, we have with us Advocate Lalit Jain, who so sportingly agrees to be with us and share his knowledge. Welcome, Mr. Jain. Hello. To begin with the very first question, what is Section 138 under the Negotiable Instrument Act? See, in normal language, for a layman, Section 138 बोले तो check bouncing case, ठीक है? Section 138 is one of the most popular section अगर आप देखोगे business entities के among में. हम जैसे ही उसको Section 138 कहते हैं, हम उसको बोलते हैं check bouncing का case. In a very simple language, जहाँ पे आपका dues pending है, आपने check डाला, वो bounce हो गया, हम कौन से section में file करते हैं? It is told as Section 138 of Negotiable Instrument Act. Okay. So, how do you proceed with it? Okay. See, procedure wise, ऐसा है. मान लीजिए कि आपका, you know, there's a business entity, right? और उनको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है? उनको, I'm just giving an example कि उसको 20 लाख रुपया लेना है. उसके पास checks पड़ा हुआ है. उन्होंने वो check कब दिया, कैसे दिया, वो एक अलग issues है. उनके पास check पड़ा हुआ है. Check duly filled है, signed है. आप क्या करोगे, आप उस चेक को डिपॉजिट करोगे. एक बार आपने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया, बराबर है, क्वाइट पॉसिबल है कि वो यू नो ऑनर भी हो जाएगा, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा. ये भी पॉसिबल है कि वो डिसऑनर हो जाए. अगर वो डिसऑनर हो गया, तब जाकर आपका सेक्शन 138 स्टार्ट होता है. अब वो करना कैसा है प्रोसीजर वाइज, जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है, आपको ये याद रखना चाहिए कि चेक बाउंस होने के बाद आपको बैंक एक मेमो देता है कि वो बैंक आपको रिटर्न कब करता है चेक. उस दिन से विद इन 30 डेज आपको लीगल नोटिस इशू करना पड़ता है. वेल, हम उसको लीगल नोटिस नहीं बोलते, हम उसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, बिकॉज ये एक मैंडेटरी नोटिस है जो आपको देना ही पड़ता है अगर आपको चेक बाउंसिंग केस में आगे बढ़ना है तो. अब जैसे ही आपने उसको नोटिस भेज दिया 30 दिन के अंदर, बराबर है, उसके बाद आपको 15 दिन रुकना पड़ता है. जिस दिन उसको नोटिस मिले या लास्ट इंटीमेशन हो, आपको 15 डेज रुकना पड़ता है. जैसे ही वो 15 दिन ख़त्म होता है, 16th डे विद इन 30 डेज आप केस फाइल कर सकते हो. तो अगर आप ये पूरा सिस्टम चेक करोगे तो आपके पास दिन कितना होता है, 30 डेज नोटिस का, 15 दिन वेटिंग का, फिर 30 डेज फाइलिंग का. सो हम क्या कहते हैं नॉर्मली कि आपके पास 45 डेज है फाइलिंग का. अभी ऑफ लेट केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि 15 दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका रिप्लाई आ जाए और वो क्लियर है कि उनको पेमेंट नहीं करना है. बट ये बहुत इजी प्रोसेस के लिए बेस्ट यही होगा कि आप 15 दिन रुक जाइए और फिर आप केस फाइल कीजिए. जैसे ही आप केस फाइल करते हो कोर्ट में, कौन से कोर्ट में जाएगा वो ज्यूरिसडिक्शन आपका बैंक अकाउंट डिसाइड करता है. जस्ट एन एग्जांपल, अगर मेरा बैंक अकाउंट मान लीजिए घाटकोपर में है, राइट, मेरा ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, तो मैं विक्रोली कोर्ट जाऊँगा, राइट. तो जहाँ पे कंप्लेनेंट का बैंक अकाउंट है, वहाँ का बैंक कोर्ट में आपका मैटर जाएगा. डेफिनेटली ये सेक्शन 138 एक क्रिमिनल मैटर है, इसके लिए ये मैजिस्ट्रेट के पास जाता है. जैसे ही आप केस फाइल करते हो, फिर आगे का प्रोसेस चालू होता है. ओके, सो समटाइम्स इट हैपेंस कि इन 30 डेज यू कैन नॉट फाइल अ केस, सो व्हाट इन दैट. सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जितना मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका 30 डेज खत्म हो गया है, आप केस नहीं फाइल कर पाए. वेल, करना चाहिए, नहीं कर सको तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन फाइल करो. तो जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो साथ में आपको डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन देना पड़ता है. तो प्रोसीजर तो यही है कि जैसे आप फाइल करते हो तो सबसे पहले आपको कंडोनेशन जो डिले एप्लीकेशन होता है उस पर आपको नंबर मिलता है, कंप्लेंट पर नंबर नहीं मिलता है. फिर जैसे वो मैटर कोर्ट के पास जाता है, समन्स जाता है, बाजू वाला पार्टी अगर अपीयर होता है तो आर्ग्यूमेंट होगा. उनका रिप्लाई आने के बाद, आपका आर्ग्यूमेंट होने के बाद, जज अपने हिसाब से ऑर्डर पास करता है. वो आपका डिले कंडोन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. सो वॉट एवर इज़ द केस, नहीं करता है आप अपील कर सकते हो. करता है तो जैसे ही वो करता है मान लीजिए, और बाजू वाली पार्टी कोई अपील फाइल नहीं करती है, तो डेफिनेटली आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड होता है और उसको नया सूट नंबर मिलता है, केस नंबर मिलता है इन शॉर्ट. और जैसे ही वो केस नंबर मिलता है, फिर आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है. बट हो सके तो इतना डिले मत करो, और अगर जेन्युइन रीज़न है तो प्रूफ रखो और देन यू गो फॉर इट. इन योर प्रीवियस आंसर यू सेड इट इज़ अ क्रिमिनल मैटर, सो इज इट बेलेबल और नॉन बेलेबल. सी, ये क्रिमिनल है, बट ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि इट्स क्रिमिनल इन नेचर, बट
इट हैज़ अ सिविल इन डिस्प्यूटेड फैक्ट, ये बेलेबल ऑफेंस है। अब इसका प्रोसीजर ही बता देगा कि आपको बेलेबल है। आप जैसी कंप्लेंट फाइल करते हो तो पहले समन्स इशू होता है, राइट? जैसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट कॉग्नाइजेंस लेता है उसको समन्स इशू होता है। अगर वो समन्स में नहीं आता है तो वारंट इशू होता है, वारंट में नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। बट आप जब अपियर होंगे, राइट, जब अपियर होंगे तब आपको डेफिनेटली बेल लेना पड़ता है। जो प्रोसीजर होता है वो बेल बॉन्ड करके थ्रू हो जाता है। डेफिनेटली 138 एक बेलेबल ऑफेंस है। उसका रीज़न ऐसा है बिकॉज ये एक तरह से रिकवरी मैटर है। द ओनली डिफरेंस इज कि हमने इसको क्रिमिनल में डाला। देयर आर टाइम्स वेयर द ड्रॉअर डजंट हैव द एड्रेस ऑफ द, ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली में। अगर आप देखोगे तो इसके अलग अलग जजमेंट्स भी हैं। नाउ यहीं पर यू नो सी आई एम वेरी क्लियर कि एज अ बिजनेसमैन यू शुड हैव अ गुड डॉक्यूमेंट्स इन योर हैंड। या तो यू नो ऑपोजिट पार्टी का प्रूफ होना चाहिए, या तो लास्ट नोन एड्रेस जहाँ पे आपने उनके साथ बिजनेस किया है। उसका रीज़न ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एड्रेस नहीं है, आपके पास लास्ट नोन एड्रेस भी नहीं है, आप नोटिस कहाँ से भेजोगे, राइट? ये चांसेस बहुत कम होता है। बट फिर भी एक सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास वो एड्रेस है और आपको ये नहीं पता है कि और क्या एड्रेस है, तो आप डेफिनेटली उसी एड्रेस पे नोटिस भेजिए और केस कीजिए। लेकिन अगर वो एड्रेस गलत है, आपको पता ही नहीं था लेकिन आपने किसी और का एड्रेस डाल दिया है, तो डेफिनेटली आपका 138 मेंटेनेबल नहीं होगा। बिकॉज ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पे ऐसे बोले गए हैं कि लेफ्ट करके अगर आपका एनवलप वापस आता है, लेफ्ट करके, या तो एड्रेस ही लेफ्ट, या तो एड्रेस इज यू नो नॉट करेक्ट, तो कंप्लेनेंट को ये आंसर देना पड़ता है कोर्ट में कि ये एड्रेस उसको कहाँ से मिला, राइट? बट सी चांसेस बहुत कम है बिकॉज बिजनेस एंटिटीज के पास रिकॉर्ड्स तो थोड़ा तो होगा, परचेस ऑर्डर होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। बट अगर कुछ नहीं है देन बिफोर इशूइंग द नोटिस आई विल प्रीफर कि आप सब देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एड्रेस ही नहीं है, ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी तो करेक्ट भेजिए, राइट? वैसे भी आजकल के तारीख में एड्रेस मिल ही जाता है, बट थोड़ा आप अपने आप को आरएनडी कीजिए। सो व्हाट इन केस ऑफ द नोटिस इज रिटर्न एंड नॉट सर्व्ड टू, सी सेक्शन 138 बहुत क्लियर है। सर्विंग डजंट मीन कि उसने एक्सेप्ट करना। सर्विंग मीन्स मैंने नोटिस भेजा और उसके बाद अगर वो रिटर्न होता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, अनक्लेम्ड, नॉट एक्सेप्टेड, रिफ्यूज्ड, एड्रेस ही लेफ्ट, जो भी रीज़न होगा, मैंने सर्व करवा दिया, तो जिस दिन ये होता है वहाँ से हम 15 दिन एक्सेप्ट करते हैं, राइट? हावेवर बस आपको ये नोट करना है कि जिस एड्रेस पे आपने भेजा है वो उसी का ही एड्रेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एक ऑफ लेट एक केस में ऐसे हुआ था कि यू नो एक कंपनी था, उसने नोटिस भेजा था एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को, उसने कंपनी का नाम बराबर लिखा था, एड्रेस उसने किसी और का डाल दिया था, राइट? फिर वो कोर्ट चले गए, समन्स इशू हुआ, ऑपोजिट पार्टी ने कॉशिंग ऑफ समन्स डाला बिकॉज वो नोटिस वैलिड ही नहीं था, राइट? जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि उसने कि ये एड्रेस मेरा नहीं है, किसी और का है, उसे हुआ क्या कि आपका जो नोटिस भेजना था दैट इटसेल्फ वाज नॉट वैलिड। और 138 में रूल है कि अगर आपका नोटिस ही नहीं मिला है सो यू आर नॉट एंटाइटल और यू कैन नॉट फाइल अ केस, आप केस फाइल ही नहीं कर सकते हो कोर्ट में। इसी के लिए हम कहते हैं कि नोटिस जो हम भेजते हैं डिमांड नोटिस वो कंडीशन प्रेसिडेंट है। आप अगर और कोई केसेस में देखोगे एनसीएलटी को छोड़ के और आर्बिट्रेशन को छोड़ के, रिकवरी सूट हो वहाँ पे नोटिस भेजना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेक्शन 138 इंसॉल्वेंसी लॉ आर्बिट्रेशन नोटिस भेजना मैंडेटरी है। सो कैन यू मेक द बैंक एन ऑपोजिट पार्टी इन दिस केस? यू कैन, आप बना सकते हो, बट इट डिपेंड्स आपका पर्पस क्या है। जस्ट बिकॉज बैंक के थ्रू चेक जा रहा है तो आप उसको पार्टी मत बनाइए बिकॉज बैंक का कोई लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज बैंक नॉर्मली विटनेस जैसा अपीयर होता है 138 में। फिर भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ आपको ऐसे लग रहा है कि बैंक इज इन्वॉल्व इन दिस, आप बनाइए अक्यूज, यू शुड हैव, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप बनाइए। आर देयर एनी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 138 टू बी फाइल्ड? ओके, डॉक्यूमेंट्स ऐसा है, आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो एग्जिबिट्स क्या क्या होना चाहिए। पहला तो एग्जिबिट में अज्यूम कर रहा हूँ कि एक प्रोप्राइटरशिप फाइल कर रहा है, आपने कैसे फाइल किया, चेक, ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल चेक मेमो, इनवॉइस, चलान, परचेस ऑर्डर है तो, अग्रीमेंट है तो, ईमेल कन्वर्सेशन है तो, अगर आप कंपनी हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, आप पार्टनरशिप फॉर्म हो और आपने किसी और को ऑथराइज़ किया है तो लेटर ऑफ अथॉरिटी, अगर पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी। बट
हम इन चीज़ों को छोड़ दें तो जो रेगुलर जो डॉक्यूमेंट्स है जो हमेशा लगेगा ही वो है चेक, बैंक मेमो, इनवॉइस, चलान, अग्रीमेंट इफ एनी, ओके, और नोटिस, पोस्टल रिसिप्ट, ट्रैक रिपोर्ट, उसको कब मिला। देर आर टाइम्स वेयर द ओरिजिनल चेक विच इज डिसऑनर्ड गेट्स लॉस्ट, इन दैट केस जिस दिन आपको ये पता चले कि वो चेक गुम गया है आप उसी दिन एफ आई आर फाइल कीजिए। आप FIR नहीं करोगे, आप कोर्ट में लेटर स्टेजेस में जाके जब ये कहोगे चेक हुआ है तो आपके केस एक्चुअली में फिर आपका केस बहुत डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज 138 में आपको प्रूव यही करना है कि चेक मिला था। अगर आपके पास चेक ही नहीं है तो एक तरह से आपका एविडेंस नहीं है। अब आपको प्रूव करने के लिए आपका जो मैटर मान लीजिए 4 हियरिंग में ख़त्म होना चाहिए, वो 10 हो जाएगा। अब वो 10 भी होगा बट देयर इज नो गारंटी कि वो आप जीतोगे या हारोगे। इसके लिए हो सके तो अगर आपको लग रहा है कुछ चेक गुम गया है तो आप FIR कीजिए। देयर आर टाइम्स वेयर द ऑपोजिट पार्टी गिव्स अ ब्लैंक चेक सो एंड दैट गेट्स डिसऑनर्ड, इन दैट केस देन सी पहले ये होता था कि ब्लैंक चेक दिया है, यू नो उसने साइन करके डाल अपना उसने फिल करके डाल दिया, बट एंड ऑफ द डे अगर आप बहुत सारे जजमेंट्स को क्रॉस रिलेट करोगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि कोर्ट्स ने एकदम क्लियर बोला है पैसा देना बनता है या नहीं बनता है पहले वो डिसाइड करो। बनता है, साइन किसका है, अगर साइन उसी का है जिसने भी फील किया हो दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे क्लीन चिट दे रहा हूँ कि आप ब्लैंक चेक साइन करके या अपने हाथ से फिल करके ले लो, क्योंकि बोले कभी कभी ये एक अक्यूज का डिफेंस होता है। लेकिन अगर साइन है, यू नो उसने लाइबिलिटी है जो उसको देना है और यू नो चेक जिसने भी भरा हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्लीडिंग्स और कंप्लेंट है देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट एज अ लॉयर मैं एडवाइस करूँगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, उन्हीं से चेक भरवाइए और डिपॉजिट कीजिए। समटाइम्स इट कम्स पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर, सो इन दैट केस कैन वी फाइल सेक्शन 138? ऑफ कोर्स आप सेक्शन 138 कभी भी फाइल कर सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, दो चीज़ छोड़ के। वो दो चीज़ क्या वो बताता हूँ। मान लीजिए आपका चेक 3 महीना वैलिड होता है, राइट, जनवरी 1 का चेक है, उसका लास्ट डेट होगा 31 मार्च, बराबर है। अगर आपने चेक 30 तारीख को डिपॉजिट किया, 30 तारीख को, तो वो ऑनर नहीं होगा। क्यों? वो 3 महीने के ऊपर जा चुका है, तब आप केस नहीं कर सकते। हम उसको बोलते हैं स्टेल चेक, मतलब वैलिडिटी ख़त्म, बराबर है। दूसरा केस मान लीजिए वो चेक में सिग्नेचर डिफर हो रहा है, तब अब डिफर सिग्नेचर में इश्यूज क्या होता है कि अगर ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये उसी ने साइन किया था तो आप आगे बढ़िए, फिर आप डिबेट करते रहिए कोर्ट में, बट ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आप ये चीज़ को प्रूव कर पाओगे, राइट। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है कोरिलेट करने के लिए कि ये नहीं यही बंदा था जिसने ये साइन किया और अभी बैंक में इसका साइन नहीं है बट इसी ने साइन किया, तो चलेगा, आपका केस अच्छा है। बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कोरिलेट करने के लिए, आप केस फाइल करो बट आपको बहुत डिफेंड करना पड़ेगा। हाउ इज द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन डिसाइडेड इन चेक बाउंस केस? कंपेनेंट्स बैंक ऑपरेटिंग अकाउंट, ओके। मान लीजिए कंपेनेंट रहता है घाटकोपर में, अक्यूज रहता है हैदराबाद में, ठीक है। अक्यूज ने चेक इशू किया हैदराबाद के बैंक अकाउंट से, वो उसका बैंक है। हम कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं कंपेनेंट? मान लीजिए कंपेनेंट का 2 बैंक है, एक घाटकोपर में है और एक बोरीवली में, ठीक है। और दोनों अलग अलग बैंक है, एक ABC बैंक और दूसरा XYZ बैंक, ठीक है। उसने अगर घाटकोपर में डिपॉजिट किया तो उसका ज्यूरिसडिक्शन घाटकोपर के हिसाब से आएगा विक्रोली कोर्ट। अगर उसने बोरीवली में किया तो बोरीवली कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कंप्लेनेंट के बैंक ऑपरेटिंग अकाउंट से डिसाइड होता है, ठीक है। सो देयर आर टाइम्स वेयर द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 17 लाख फॉर एग्जांपल एंड इन द चेक इज रिटन ओनली 8 लाख एंड दैट गेट्स डिसऑनर्ड, सो कैन आई क्लेम द होल 17 लाख? वेल नो, सेक्शन 138 इज प्योरली रेस्ट्रिक्टेड टू योर चेक क्लेम अमाउंट, ठीक है। ये फैक्ट है कि 17 लाख पेंडिंग है, तो जब आप 138 का नोटिस भेजते हो आप चाहिए तो एक पैराग्राफ डाल सकते हो कि आपका 17 लाख बाकी है। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है वो नोटिस का, जैसे कि आपको चेक नंबर डालना है, आपका यू नो कौन से बैंक है, रीज़न क्या है डिसऑनर का। आप क्लेम वही कर सकते हो जो चेक अमाउंट है, आप यहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 17 लाख चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा आपके 138 में। सेक्शन 138 में आप सिर्फ वही क्लेम कर सकते हो जो चेक अमाउंट है। अगर आपको पूरा बैलेंस पेमेंट चाहिए या तो पूरा पेमेंट चाहिए तो उसका अलग रेमेडी है, आप साइमल्टेनियसली समरी सूट फाइल कर दो, आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ, आप MSME में चले जाओ, या तो आप
कमर्शियल कोड चले जाओ, बट 138 इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू चेक अमाउंट. सो आई कैन नॉट आस्क फॉर सम इंटरेस्ट ऑन इट और समथिंग. सेक्शन 138 है, लॉज आर वेरी क्लियर, तो चांसेस कम है, यू कैन ट्राई इट आउट, आप ट्राई कर सकते हो. सो विच प्रेयर और रिलीफ कैन आई सीक फ्रॉम द कोर्ट अदर देन द चेक अमाउंट. सी ऐसा है, नॉर्मल जो 138 का प्रेयर्स होता है वो यही होता है कि यू नो लाइक आप इस मैटर में कॉग्निजेंस ले लो, आप मुझे डबल द चेक अमाउंट दो, आप इसको यू नो इम्प्रिजनमेंट करो, आप यू नो कॉस्ट भी दे दो, हम ये सब करते हैं. बट ऑन एन एवरेज बहुत कम होता है कि यू नो कोर्ट उसको 2 साल या 6 महीने का सज़ा देता है. वो तब देता है जब जज को ऐसे लग रहा है कि ही इज़ अ रियल अक्यूज, ऐसा है जिसने ये सब यू नो ग्रॉसली इन्वॉल्व होके किया है, राइट. सी एंड ऑफ द डे एज आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर बोला है कि सेक्शन 138 इज क्रिमिनल है, भले ही ये प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल है बट है तो सिविल है, मतलब पैसा रिकवर हुआ, मैटर ख़त्म करो. हाँ, इसमें ये 2 साल का सज़ा ये सब है, वो मिलता भी है, बट ऑन एन एवरेज बहुत कम होता है. बट डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, यू नेवर नो, मिल भी सकता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हर मैटर में मिलेगा. ओके, सो व्हाट थिंग्स आई नीड टू एनालाइज बिफोर फाइलिंग दिस केस. स्ट्रेटजी, कोई भी केस आप करते हो, वो सेक्शन 138 है या कोई भी मैटर है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा. आप विदाउट स्ट्रेटजी अगर ये सब करने जाओगे, हो सकता है कि 10 में से 1-2 केस आप यू नो जीत भी जाओगे या नोटिस के बाद पैसे भी आ जाएगा, बट विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप कोई भी केस करते हो, यू विल एंड अप लूजिंग. आई टेल यू द बेस्ट एग्जाम्पल ये कैसे होता है. अभी यू नो ऑफ लेट एक केस फाइल हुआ है, उसने केस फाइल कर दिया था, उसने एक चेक बाउंस हुआ था 8 लाख का, उसने व्हाट यू कॉल यू नो 8 लाख का मान लीजिए December 1st को उसने वो पेमेंट चेक डिसऑनर करवा दिया. उसके नोटिस भेजने के पहले ऑपोजिट पार्टी ने उसको 2.5 लाख का पेमेंट कर दिया. ओके, बराबर है. उसके बाद उसने उसको ईमेल भेजा कि मुझे आपको 2.5 लाख का रुपया मिला है. ओके, सो ही अग्रीड, ही एक्सेप्टेड कि उसको मिल गया है. उसके बाद भी वो उसने केस फाइल कर दिया, कितने का, 8 लाख का. अब अगर आप सिस्टम में देखोगे, लॉ में मुझे उसको कितना देना है, 8 में से 2.5 चला गया तो हार्डली 6, 550, मांग कितना रहा है 8. तो अगर आप सेक्शन 138 को ध्यान से अगर आप समझोगे ना, उसमें एक टर्म होता है लीगल डेट. लीगल डेट बोले तो जो वो मांग रहा है वो लीगल होना चाहिए, मतलब उतना डेप्ट होना चाहिए. सो मेरे लिए केस कितना सिंपल हो गया, अभी मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो जो चेक अमाउंट है वो हो सकता है वो डेप्ट है, बट वो लीगल डेप्ट नहीं है. सो आई एम आउट ऑफ 138. इसका मतलब आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था. अगर आप करना ही था तो आपको उसको ईमेल ही नहीं करना था. सी, ये एक डिफेंस का पार्ट हुआ, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता. अर्थ क्या है कि आप कोई भी केस करोगे तो स्ट्रेटेजी बनाइए पहले, वो छोटा भी हो सकता है लंबा भी हो सकता है, बस स्ट्रेटेजी होना चाहिए. यू सेड लीगल डेट, व्हाट इज इट एग्जैक्टली. सी, कोई भी अगर आप ऑफ लेट कोई भी ऐसे मैटर्स देखोगे जो रिकवरी के होते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉ जो NCLT देखता है, आर्बिट्रेशन देखता है, लीगल डेट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है. आपका मान लीजिए किसी पे 10,000 रुपया पेंडिंग है, बराबर है, वो फैक्ट है, देयर इज़ नो डिनाई. तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो मैं अप्रूव कर सकता हूँ कि मुझे 10,000 देना है, दैट इज़ अ लीगल डेट. ओके, अब आप कोर्ट चले गए, आपने कोर्ट में 25,000 मांगा, आपके लिए वो लीगल डेप्ट है, बट मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मेरे लिए जो लीगल डेप्ट है वो 10,000 ही है, तो 15,000 आपके लिए डेप्ट होगा, मेरे लिए वो लीगल डेप्ट नहीं है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेप्ट एंड अ लीगल डेप्ट. आप उसको डेप्ट मान सकते हो, आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, सब कर दिया, बट मैं प्रूव कर दूंगा कि लीगल डेप्ट मुझे कितना देना है वो इतना है. इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम डेप्ट को लीगल कैसे बनाएं. अगर आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपका 50% मैटर यू हैव वन, अब बचा आपका प्रोसेस चलते रहेगा. स्ट्रेटजी, देयर आर टाइम्स वेयर सेवरल चेक्स आर डिसऑनर्ड, सो आई कैन आई फाइल अ सिंगल कंप्लेंट. सेम अक्यूज्ड है, सेम ट्रांजैक्शन है, एक केस भी कर सकते हो. बट आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे NBFC और बैंक्स वो एक केस नहीं करते हैं, एक अहमदाबाद में करते हैं, एक चेन्नई में करते हैं, एक वहाँ पे करते हैं. क्यों करते हैं, आई विल नॉट गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स,
बट ऑफ लेट अमेंडमेंट हो चुका है 138 सेक्शंस में कि अगर इतने सारे केसेस एक ही ट्रांजेक्शन में होगा तो सब एक ही जगह शिफ्ट होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंस प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, सो कैन आई आस्क द कोर्ट टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द बैंक? हाँ, ऐसा प्रोविजन है कि आप 20% के एप्लीकेशन दे सकते हो। इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर अमाउंट बड़ा नहीं है, यू नो अमाउंट अगर छोटा है तो 20% आप उस पर इतना मत कीजिए। बिकॉज हो क्या रहा है कि आप जब 20% के एप्लीकेशन देते हो तो उसमें उनको रिप्लाई देना पड़ता है, फिर वो रिप्लाई का आर्ग्यूमेंट होता है, वो आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर पास होता है, वो ऑर्डर पास होने के बाद आप रिकवर करते हो। मान लीजिए वो उसमें रिकवर नहीं हो रहा है, एंड ऑफ द डे अब जो प्रैक्टिकल चलता है वो 5-6 महीने का डिले हो जाता है, राइट? वो 5-6 महीने हम बचा लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जिस दिन केस फाइल करते हैं आप उसी टाइम एविडेंस फाइल कर दो, अगर आपको लगता है कि राइट टाइम है ये, राइट स्ट्रेटेजी काम आएगा फिर से। अब एविडेंस फाइल कर दो, एक बार आपने एविडेंस फाइल कर दिया, 20% नहीं चाहिए मुझे, एविडेंस फाइल कर दिया, ऑपोजिट पार्टी को सर्व कर दिया, वो आ गया, क्रॉस के लिए स्टार्ट करो। सो 20% कब करना है नहीं करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। अमाउंट बड़ा है गो फॉर 20%, अमाउंट छोटा है डोंट गो फॉर 20%, वो आपका वैसे ही टाइम वेस्ट होने वाला है और वैसे ही एडजस्टमेंट्स तो हो ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गेव मी अ चेक, सो शुड आई इंटीमेट यू दैट आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक? कानून तो यही बोलता है आप इंटीमेट करो, बट हम सबको पता है जिन्होंने केस फाइल किया कि कितना इंटीमेट होता है। देर आर टाइम्स वेयर अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ फैमिली मेंबर इश्यूज अ चेक एंड दैट गेट्स डिसऑनर्ड, सो कैन दैट कम अंडर सेक्शन 138? दैट्स इट, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो सगा भाई भी होगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वैलिड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, अगेन लीगल डेप्ट होना चाहिए, आप कर सकते हो। इन शॉर्ट यू कैन डू एनी थिंग, फादर सन पे भी केस करता है, सन फादर पे भी कर सकता है, एनी वन कैन फाइल इट, बट आप कंप्लेंस पूरा करो, डेप्ट लीगल डेप्ट वैलिड ट्रांजेक्शन प्रूवेबल डॉक्यूमेंट्स है तो ही। एंड वॉट इफ इन केस द फैमिली मेंबर टेल्स आई विल डिपॉजिट एंड आई विदड्रॉ द केस, so and he doesn't give the money back, so can I reopen the case? Strategy, withdraw आप तभी करोगे जब पैसे मिला है, उसके पहले अगर आपने withdraw कर दिया तो that shows कि आपका strategy कितना अच्छा है। So I have no other option. Withdraw होने के बाद आप case file नहीं कर सकते unless and until there is something in writing. Okay, I'm a regular offender, so can the bank account close my account? आप रेगुलर ऑफेंडर होंगे, और ये ऑफेंडर इसी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये शब्द है क्योंकि लिए बहुत सारे केसेस फाइल्ड है, बट बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकता है, बिकॉज बैंक के लिए वो जो 138 का केस है उसको बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अगर बैंक को चार्जेस मिल रहा है, उसका जो कस्टमर है जो अक्यूज्ड है वो बराबर से उसका पेमेंट दे रहा है, अकाउंट चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंक ऐसा कोई एक्शन नहीं लेगा कि इस अकाउंट को बंद करो अनलेस एंड अंटिल कोर्ट का ऑर्डर है। सो बैंक कोई रोल प्ले नहीं करता है, बैंक का काम किया वही फैसिलिटेटर है, उसके पास चेक आया, उसने चेक का डिपॉजिट किया, उसने इन्फॉर्म कर दिया बाउंस हो गया है, उसने आपको बैंक मेमो दे दिया, उसका काम हो गया। सो बैंक कोई रोल प्ले नहीं करेगा अनलेस एंड अंटिल कोई केसेस है जहाँ पे कोर्ट का डायरेक्शन होगा, वो एक अलग चीज़ है। यू सेड लीगल डेब्ट एंड देयर आर टाइम्स वेयर आई इशू चेक जस्ट फॉर इन एडवांस, so in that case that check gets bounced, so can I file a case? Legal debt, मुझे advance मिला हो या security मिला हो या मुझे बाद में मिला हो, मैं अगर ये प्रूव कर लेता हूँ कि ये जो debt है वो legal debt है और ये transaction की वजह से आया हुआ है, so case बनता है। अगर आप देखोगे ना section 138, ये पूरा एक circle जो होता है ना, it starts from legal debt, बस आपको क्या प्रूव करना है, legal debt, और ये जो बाकी के जो ये जो जैसे चेक है, बैंक मेमो है, नोटिस है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका डेप्ट लीगल है ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। कैन आई फाइल एन FIR इन दिस केस? सी, फाइलिंग एन FIR रिक्वायर्स सम क्रिमिनल कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ सेक्शन 138 जो है डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू ये रिकवरी ऑप्शन है, इसका FIR होना नहीं चाहिए। हाँ, कोर्ट ने आपको ये भी पावर दिया है कि अगर पॉसिबल है तो आप 420 फाइल कर सकते हो केस, 420 में आप FIR कर सकते हो, बट अगेन FIR करना नहीं करना क्यों करना ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ओके, लेट मी टेल यू, कोई भी केस आप करते हो
इनफैक्ट केस छोड़िए, आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, ये सब स्ट्रेटेजी होता है। जिस तरीके से बिजनेस प्लानिंग होता है, मार्केटिंग होता है, उसी तरह लीगल में स्ट्रेटेजी लगता है। पर ये स्ट्रेटेजी आज से स्टार्ट नहीं होता है, स्ट्रेटेजी स्टार्ट होता है जब से आप परचेस ऑर्डर बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो, अग्रीमेंट बनाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये बना दिया बाद में देख लेंगे, नहीं, ये बहुत बैड प्रैक्टिस है। याद रखिए, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, हम यही सोच के बनाते हैं कल को अगर हमें किधर जाना पड़ा तो ये डॉक्यूमेंट विल एक्ट एविडेंस। ओके, स्ट्रेटेजी के ऊपर है। FIR कर सकते हो, बट इसके लिए नहीं कि पैसा नहीं मिला। 420 में कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में उतना वैल्यू है। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि 138 में FIR नहीं होना चाहिए। ओके, इफ इन केस आई एम द ओनली सिग्नेटरी ऑफ द चेक, आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑफ कोर्स, सेक्शन 138 बहुत क्लियर बोलता है, जो चेक साइन करता है वो लायबल है, जो चेक साइन नहीं करता है बट ही इज डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस और उसको ये ट्रांजेक्शन पता है, ही कैन ऑल्सो बी लायबल। बट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आता है जो चेक साइन करता है। ओके, सो आई हैव रिसीव्ड द डिमांड नोटिस, सो व्हाट आर द स्टेप्स शुड आई बी टेकिंग? डिमांड नोटिस मिला हो या कोई भी नोटिस मिला हो, जिस दिन आपको मिला हो उस दिन को आप छोड़ दीजिए। डोंट गेट इन टू हैंकी फेंकी, अरे नहीं आपने 50 जन को फ़ोन कर दिया, नहीं, आप शांत रहिए। उसका आपके पास है ना 15 दिन का टाइम है, आप डिटेल्स निकलवाइए, आप देखिए ये क्या मैटर है, हो सके तो आप लॉयर को अप्रोच कीजिए, उनको फैक्ट्स बताइए, सेटल करना है नहीं करना है, ये आपके स्ट्रेटजी के ऊपर है और ये आपका मैटर के ऊपर है। सो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसे करना है, आप वैसे कीजिए। इन शॉर्ट, ट्राई टू आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और फिर सोचिए कि मुझे उसको डिफेंड करना भी पड़ा तो कैसे करूँ, राइट? आपके पास पूरा 15 दिन है। ऐसा नहीं है, अच्छा मान लीजिए आपने रिप्लाई नहीं भी किया तो मत कीजिए, होने क्या वाला है, वो आपके ऊपर केस करेगा, आप तो भी रिप्लाई कर देना। लेकिन ये सब करना नहीं करना, किस तरीके से करना, ये सब आपका स्ट्रेटजी डिफाइन करता है। एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीगल में इतने मास्टर हो गए कि आपका बिजनेस शट डाउन हो गया, वो आप याद रखना। देर आर टाइम्स वेर द डायरेक्टर सो इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन बट ही वॉज नॉट इन चार्ज, सो इन दैट केस हम इसको दो तरीके से समझते हैं। चार डायरेक्टर है, सिग्नेटरी में एक डायरेक्टर है और दो डायरेक्टर बिजनेस देखते हैं, राइट? और उन सबका नाम है तो डेफिनेटली सब लाइबल हुए। लेकिन कानून ने एक प्रोविजन दिया है कि जो डायरेक्टर है वो डे टू डे अफेयर में नहीं है या तो उसके नॉलेज में नहीं है, तो वो बोल सकता है कि मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे मेरे नाम पे जो केस फाइल हुआ है उसको डिसमिस करो। मुद्दा ऐसा है कि जो डे टू डे अफेयर में है वो लायबल है, जो चेक पे साइन है वो लायबल है। अब अगेन आई एम रिपीटिंग स्ट्रेटेजी कि आपको किस डायरेक्टर को लेना है, क्यों लेना है, उसका रोल क्या है, वो सब अगर आपको पता है तब जाके आपका कंप्लेंट ड्राफ्ट होता है। कोई भी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता है, हमें वो समझना पड़ता है कि हमने अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2, अक्यूज नंबर 3 का रोल क्या प्ले हुआ है और उनका क्या एक्सटेंट है रोल का, वो हमें समझना पड़ता है। आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं चलता है, बिकॉज अगर बाजू वाला पार्टी आपका क्रॉस लेगा ना, वो आपको बराबर से बता देगा कि आपने क्या मिस किया। सो कैन आई फाइल अ केस अंडर MSME फॉर डिसऑनरमेंट ऑफ चेक? आप कर सकते हो। हम इस क्वेश्चन को ऐसे रीफ्रेम कर सकते हैं कि क्या मैं कोई भी केस जो डिसऑनर हो चुका है MSME में जा सकता हूँ क्या? आप जा सकते हो। सेक्शन 138 के साथ आप साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, समरी सूट, आर्बिट्रेशन, MSME। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 लाख का पेंडिंग है और 10 लाख आपने 138 कर दिया है, आप MSME में बैठते हो, आप MSME कर सकते हो। समरी सूट एनी टाइम, NCLT एनी टाइम, आर्बिट्रेशन एनी टाइम। अगेन करना नहीं करना, बिकॉज इसमें लिटिगेशन कॉस्ट आता है, इसलिए करना नहीं करना अगेन स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सो साइमल्टेनियसली आई कैन फाइल अ केस इन सिविल आल्सो एंड क्रिमिनल आल्सो? हाँ, क्रिमिनल और सिविल साइमल्टेनियसली चलता है, दो सिविल साथ में नहीं चलता है। देयर आर टाइम्स वेयर द फर्म इज गोइंग थ्रू इंसॉल्वेंसी, सो कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट देम? आप कर सकते हैं। आई मीन टू से ऑफ लेट सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है क्लियर कि अगर किसी का NCLT में मैटर एडमिट हो चुका है तो सेक्शन 138 नहीं चलेगा। सो देखा जाएगा, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो NCLT में चला गया है और वो एडमिट हो चुका है, फिर सेक्शन 138 के साथ जितने मैटर्स है वो सब स्टॉप हो जाएंगे प्रोसीडिंग्स। यू सेड डिमांड नोटिस इज कंपलसरी, सो यू डोंट गेट द एड्रेस समटाइम्स, दैट ऑल।
सो कैन यू सेंड थ्रू व्हाट्सएप? नो, स्ट्रिक्टली नो. यू ट्राई इट आउट, बट व्हाट्सएप को एविडेंस नहीं माना जाता है, एंड उसके रीजंस भी हैं. सी, व्हाट्सएप एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन सकता है, राइट? जैसे कि मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है 8-10, और व्हाट्सएप आपके पास है, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंस, यू नो, कि देखो ये ऐसे भी था, तो हम उसको सोच सकते हैं. बट अगर आपका व्हाट्सएप ही मेन एविडेंस है, तो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा. ऑफ लेट ऐसे कुछ जजमेंट्स हैं जहाँ पे यू नो लाइक लिंक्डइन को माना गया है अच्छा सर्विंग ऑफ नोटिस एंड एवरीथिंग. सो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि ईमेल आईडी आप ढूंढिए, ईमेल पे भेजिए. एड्रेस नहीं है तो आप पता लगाइए. अगर उनका बैंक अकाउंट है तो बैंक वालों से रिक्वेस्ट कीजिए उनका एड्रेस देने के लिए. आप लिंक्डइन में जाके पता लगाइए, आप यू नो फेसबुक में जाइए. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हाट्सएप इज़ द लास्ट एंड लास्ट वे टू इशू अ नोटिस. फिर भी आपको करना पड़े और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सैडली, बट ये फैक्ट है कि उसको हम एविडेंस नहीं मानते. सो कैन अ गारंटर बी अ पार्टी टू द सूट? इट कैन बी, बट ABCD हैज़ टू बी कंप्लाइड. अब वो गारंटर कब आता है, कैसे आता है, वी डोंट नो. गारंटर का साइन नहीं है, गारंटर का रोल ही नहीं है अगर आपके बिजनेस में, तो आप उसको 138 में क्यों डालोगे? हाँ, आप चाहिए तो आप उसको सिविल सूट में डाल सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे गारंटर इज कौन होता है? श्योरिटी होता है. बट 132 में उसका क्या रोल है? बोरोवर और आपके बीच में साइन हुआ, उसने तो कुछ साइन किया नहीं, चेक बाउंस हुआ, तो आप गारंटर को अक्यूज मत बनाइए, सिविल सूट में आप बना सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू यू शुड 138 सेक्शन 138 बी डिक्रिमिनलाइज्ड? जैसे तो हो ही गया है. हाँ, आई टेल यू हाउ. ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर कि सेक्शन 138 भले वो क्रिमिनल है, बट है सिविल नेचर का, नंबर वन. फिर NCLT पहले क्या था कि सेक्शन 138 प्रोसेस चलता रहेगा, NCLT में भले वो एडमिट हो जाए, बट ऑफ लेट वो भी चला गया. अगर ये दो चीज़ चला गया तो बचा क्या क्रिमिनलाइज के लिए? सो ऑलरेडी डिक्रिमिनलाइज हो चुका है इन दिस वे, राइट? द होल पर्पज ऑफ 138 हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. मतलब 138 का जो पर्पज था, जो रीज़न था कि क्यों 138 इतना फेमस हुआ और क्यों लोग वहीं पे केस करते हैं, वो ख़त्म हो गया एक्चुअली में. क्योंकि आपके पास ऑप्शन बचा क्या है? आप केस करोगे, NCLT में ऑर्डर आ गया, आपका 138 बंद हो गया. ये जजमेंट आने से कि 138 भले क्रिमिनल है बट सिविल है नेचर में, तो एक तरह से वो इतना थोड़ा डीमोटिवेशन जैसा वर्कआउट होता ही है, नो डाउट. हाँ, बट एंड ऑफ द डे डीक्रिमिनलाइज तो ऐसे हो चुका है. There was one more Supreme Court judgment where they ruled that the complainant is not required to lead evidence. So what are your views on that? Supreme Court ne agar ye kaha hai ki aap evidence lead nahi kar sakte. Now it depends ki wo matter kya tha. Because end of the day, complainant to evidence lead karega. Now mudda aisa hai. Process kya hai court ka? Aap complaint file karte ho, verification dete ho. वेरिफिकेशन की जगह आपने एफिडेविट इन एविडेंस फाइल कर दिया, बराबर है? अगर आपने एविडेंस फाइल कर दिया तो डेफिनेटली कंप्लेनेंट एविडेंस क्यों लीड करेगा? आपने तो ऑलरेडी रिटर्न में दे दिया है. ऑपोजिट पार्टी आपका क्रॉस ले सकता है, राइट? अक्यूज आपका क्रॉस लेगा, वो उसका राइट है. अक्यूज भी अपना एफिडेविट दे सकता है. एक बार अक्यूज ने एफिडेविट दिया, आप भी उसका क्रॉस ले सकते हो. सो ये प्रोसेस चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये शब्द कहा है तो डेफिनेटली वो एक रेस्ट्रिक्शन मोड पे होगा वो पर्टिकुलर केस के लिए, कि आप एविडेंस कब लीड कर सकते हो, कब नहीं लीड कर सकते हो, और कब आपको नहीं करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू हैव सीन इन पीपल हु विश टू फाइल सेक्शन 138? नोटिस में थोड़ा गड़बड़ करना, 30वां दिन खत्म होता है उसी दिन नोटिस भेजना, 15 दिन खत्म होने के बाद आप फाइल कर सकते हो केस, लेकिन हम 30th डे तक रुकते हैं केस फाइल करने के लिए. फिर आप वेरिफिकेशन क्लॉज में गड़बड़ करते हो. फिर आप जब ड्राफ्ट करते हो कंप्लेंट, तो हम छोटे छोटे चीज़ भूल जाते हैं. पार्टीज़ कौन है, उनका हम रोल नहीं बताते. हमारा एक टेंडेंसी है कि हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 4 अक्यूज्ड हैं. आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो ऐसे लिखते हैं द कंप्लेनेंट द अक्यूज इशूड द चेक. हम ये नहीं लिखते अक्यूज नंबर 1, 2 और 3, हम लिखते अक्यूज इशूड द चेक. ये गलत है. आपको हर एक अक्यूज के बारे में बताना है. देखिए, आपका जितना ड्राफ्टिंग स्ट्रांग होगा ना, आर्ग्यूमेंट कम करना पड़ेगा. आपने अगर अपने ड्राफ्टिंग को कॉमन रखा तो
तो आपको एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट बहुत करना पड़ेगा बिकॉज क्रॉस में वो बराबर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इन द कोर्ट देर आर मेनी केसेस पेंडिंग, सो वॉट आर योर व्यूज ऑन दैट एंड हाउ दैट कैन बी रिड्यूस्ड? वेल फ्यूचर ऐसा है, अगर इसको सही में रिड्यूस ही करना है तो 138 को क्रिमिनल कर दो, भले ही NCERT चल रहा है 138 चलने दो, यू नो लाइक कुछ भी हो 138 को क्रिमिनल एंगल रहने दो, भले वो सिविल हो नेचर में वो एक अलग चीज़ है, बट क्रिमिनल में ये चीज़ यू नो मैंडेटरी कर दो। हर रिकवरी मैटर्स को अभी आप दो चीज़ में बांट दो, या तो NCERT जाओ या तो आर्बिट्रेशन करो, समरी सूट मुझे लगता है सब बंद कर दो, और एक टारगेट फिक्स करो। अगर आपका 10 करोड़ के ऊपर है या 5 करोड़ के ऊपर है तो आप NCERT जाओ, 5 करोड़ के नीचे है तो आप आर्बिट्रेशन में जाओ। आर्बिट्रेशन आप कोई भी कर लो, MSME कर लो या स्टेड्यू अपना कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन, बट आर्बिट्रेशन कर लो। और अब 138 तो है अगर आपके पास चेक है तो, मुझे लगता है ये तीन चीज़ अगर आ गया तो ही आपका रिडक्शन होगा। नहीं तो अभी हो क्या रहा है कि आपने अभी हम यू नो आई कैन टेल यू एक केस में जहाँ पे हमने बहुत मेहनत करके उस पर यू नो लाइक क्लाइंट का अच्छा खासा अवार्ड भी आ चुका था, वो जीत चुका था, इट टू ऑलमोस्ट 18 मंथ्स। जैसे ही वो ऑर्डर आया, नेक्स्ट डे हमको ऑर्डर आया कि NCERT ने वो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया। सो आदमी वैसे ही डीमोटिवेट हो चुका है, राइट? सो क्यों ना हम आर्बिट्रेशन के अवार्ड को, 138 के अवार्ड को हम उसको यू नो NCERT में सिक्योर्ड क्रेडिटर माने और उसको पूरा पैसा देने का हक लें। जब तक हम वो नहीं करेंगे होगा क्या? एंड ऑफ द डे जो पर्पस है, मेरा पर्पस है किसी, आई बिलीव इन कोर्ट, मुझे कोर्ट पे भरोसा है, मैं यू नो एक लीगल सिटीजन हूँ, मैं कोर्ट को मानता हूँ, वो डेफिनेटली एक मोटिवेशन कम हो जाता है बिकॉज मुझे पता है एंड ऑफ द डे मैं कितना भी करूँ होना क्या है, वो गया लिक्विडेट हुआ, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मान लीजिए आपने ऑर्डर भी ले लिया, डिग्री कहाँ एग्जीक्यूट होता है? आप डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास 5-6 साल चाहिए। सो जब तक हम इस डिग्री को क्रिमिनलाइज नहीं कर लेते, फॉर एग्जाम्पल ऑफ लेट दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक अच्छा जजमेंट आया था, फिर सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी कहा है, बट आई स्टिल फील कि एक बार डिग्री का ऑर्डर आ चुका है, राइट? उसको आप क्रिमिनल करवा दो, एक्स पार्टी डिग्री को छोड़ के क्रिमिनल करवा दो, उसके प्रॉपर्टी को फर्स्ट डेट पे अटैचमेंट करवा दो। अभी डिग्री में प्रॉब्लम क्या होता है, वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रॉपर्टी ढूंढ के लाओ। जब हमें उसका एड्रेस ही नहीं मालूम है, हम प्रॉपर्टी कहाँ से ढूंढेंगे? हमारे यहाँ पे उस सिस्टम भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊँ, आधार कार्ड नंबर है भाई आधार कार्ड ले लो, उसका जितना प्रॉपर्टी से दिखा दो, वो भी कोई हेल्प नहीं करता है। सो एंड ऑफ द डे हम सिर्फ घूमते ही हैं। एक बार वो घूमने का चक्कर बंद नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा रिडक्शन में। अगर हमें सही में बंद करना है तो हमें ये स्टॉप करना ही पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड आउट दैट अंडर सेक्शन 138 वन ट्रायल इन मल्टीपल केसेस फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। डू यू विश टू ऐड एनी? अच्छा है ये, मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही होना चाहिए। अगर 8 मैटर अलग अलग कोर्ट में तो एक ही कोर्ट में होना चाहिए, ये अच्छा है। इनफैक्ट ये जो किया है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये क्यों रीज़न से किया हुआ है, ये अच्छी बात है कि यू नो आप हर एक चेक का अलग अलग ट्रायल चल रहा है, ये सब बंद कीजिए, एक जगह होना चाहिए। बस एक ऐड करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर NBFC और बैंक्स, राइट? मैंने पैसा लिया उनसे, बैंक और NBFC का हर जगह ब्रांच है, तो वहीं पे केस होना चाहिए जहाँ पे बोरोवर बैठा है, वो आप करवा दो। क्यों अभी भी ऐसे होता है कि बोरोवर बैठा है बॉम्बे में, केस फाइल होता है अहमदाबाद में, यहाँ से जाने का खर्चा अलग, ऐसा वो थोड़ा अगर कर दे सिस्टम तो आई थिंक 138 अच्छा होगा, क्योंकि एक तरह से नहीं तो भी वो हैरेसमेंट वाला ही मैटर है। कमिंग टू आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन एडवाइस यू वांट टू गिव द बिजनेस पीपल टू अवॉइड लिटिगेशन अंडर 138? स्ट्रेटजी, आई हैव यूज दिस वर्ड, अगर आपका प्री लिटिगेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, आपके केसेस कम जाएंगे। कोर्ट तो जाना ही है आपको, ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, बट कोर्ट में डिस्प्यूट जितना कम रहेगा, आर्ग्यूमेंट जितना कम रहेगा, आपके मैटर में बहुत इजी सक्सेस आएगा। और आज के हिसाब से हो सके तो आप आर्बिट्रेशन के बारे में सोचिए, बिकॉज कोर्ट्स का अपना प्रोसेस पूरा करता है, बट एक आर्बिट्रेशन है जिसकी वजह से आप 12 महीने के अंदर आप अपना मैटर क्लोज भी कर सकते हो, और वो डायरेक्ट अपीलेबल भी है, और बहुत बहुत फास्ट मेमोरी। द पॉइंट इज दैट कि कौन करे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज ये सोचते हैं कि हम खर्चा क्यों करें, बट दे हैव टू रियलाइज दिस पार्ट कि भले ही आप अभी 50,000 खर्चा कर लो,
आगे जाके यही 50,000 विल सेव योर 5 lakhs, 10 lakhs, 50 lakhs. थैंक यू सो मच फॉर बींग सो इन्फॉर्मेटिव एंड बींग अ पार्ट ऑफ दिस शो. थैंक यू. थैंक्स.